से देखिए आप लोग, हॉग बुचर फॉर द वर्ल्ड। हॉग पिग को बोलते हैं, सुअर को बोलते हैं, बुचर मतलब कसाई, है ना। कि शिकागो जो है वो क्या है, हॉग बुचर है, मतलब सुअर का मांस वहाँ पर काटा जाता है, उसके कसाई वहाँ पर होते हैं वर्ल्ड के लिए, है ना, पूरे विश्व को वो सप्लाई करता है। टूल मेकर, औजार वगैरह वहाँ पे बनते हैं। स्टैकर ऑफ वीट, वीट के बोरे आपको दिखेंगे, क्योंकि वीट का बहुत ज़्यादा, गेहूं का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पर। प्लेयर विद रेल रोड्स, है ना, कैसा है, रेल्स वगैरह, रोड वगैरह बहुत अच्छे से वहाँ बनती हैं, है ना। एंड द नेशंस फ्रेट, नेशंस फ्रेट मतलब जहाज ट्रक आदि के द्वारा जो माल ढोया जाता है, ठीक है। तो पूरे जो राष्ट्र का ये सब होता है ना, जहाज माल ढोया जाता है, वो किसके थ्रू होता है, शिकागो के थ्रू होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि शिकागो कितना डेवलप्ड है ना, कितना ज़्यादा विकसित एक जगह है जहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। स्टॉर्मी, तूफानी है अपने आप में। हस्की मतलब रूड है बहुत, है ना। आपने देखा है जो विकसित देश हैं वो बहुत ऐसे भी हैं कि वहाँ पर बहुत, है ना, वहाँ के लोग बहुत यू नो पोलाइट नहीं होते, विनम्र नहीं होते, है ना। ब्रॉलिंग मतलब द्वंद करना, लड़ाई झगड़ा करना। सिटी ऑफ बिग सोल्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पोएम, मतलब ये एक ऐसा शहर है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पूरे राष्ट्र के लिए, ठीक है। दे टेल मी यू आर विकेट, है ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे शिकागो ही अपने बारे में बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि लोग मुझे क्या बोलते हैं कि तुम बहुत दुष्ट हो। एंड आई बिलीव दैम, मैं उनका विश्वास कर लेता हूँ। फॉर आई हैव सीन योर पेंटेड वुमेन अंडर द गैस लैम्प्स ल्यूरिंग द फार्म बॉयज, है ना। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे यहाँ पर पेंटेड वुमेन, पेंटेड मतलब जो बहुत मेकअप करती हैं, उनको हम दूसरे वर्ल्ड में क्या भी बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स, प्रोस्टिट्यूट्स वेश्याएँ जो होती हैं, है ना, वो जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में होती हैं। अंडर द गैस लैम्प्स ल्यूरिंग द फार्म बॉय, गैस लैम्प्स क्यों यूज़ किया गया, रात के समय, एट नाइट। ल्यूरिंग मतलब ललचाना, किनको, फार्म बॉयज़ को, फार्म बॉयज किसान वगैरह जो होते हैं उनको ललचाना, उनको ललचाती हैं वो। तो प्रोस्टिट्यूशन इज़ अ वेरी यू नो सम काइंड ऑफ बैड एक्टिविटीज़, है ना। तो वो बताता है कि शिकागो में ये चीज़ें बहुत कॉमन है, है ना, वहाँ पे इस तरह के काम भी हो रहे हैं, तो अच्छा शहर नहीं है वो। तो एक नेगेटिव ट्रेट आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक नेगेटिव ट्रेट को, नेगेटिव थिंग को प्रस्तुत किया जाता है किसी भी शहर के बारे में।